हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं आसिफ इकबाल, फिजिक्स टीचर, लैम्प लाइटर कैरियर इंस्टीट्यूट जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली जो दो वीडियो आपके सामने आई, आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। और इसी वीडियो लेक्चर के ज़रिए हम लोग पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप वीडियो लेक्चर को देखिए, मैंने बार बार आपसे कहा है कि डिसिप्लिन होके बैठिए, समय निकाल के देखिए। एक निर्धारित समय में आप बैठिए, टेबल चेयर पर बैठिए, अपनी नोट्स लेकर के बैठिए। अगर आपके पास से मॉड्यूल हो, मॉड्यूल को लेकर के पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, आप उसे लेकर के बैठिए, तभी आपको यहाँ पर पढ़ने का मतलब और मज़ा मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी आपको याद होगा। मैं टॉपिक जो चैप्टर चल रहा हमारा वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या क्या है। फिर बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा। बायो सेवर्ट लॉ की मदद से हम लोगों ने स्ट्रेट वायर और कर्ड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा, आपको याद आ रहा होगा। ठीक, और हम लोगों ने उससे संबंधित जो चीज़ें थी, जो फॉर्मूले थे, उस सबको अपने पढ़ लिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको फार्मूला याद होगा। क्यों, याद है या नहीं? बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल 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 याद होगा। तो मैं मॉड्यूल दिखाऊं थोड़ा सा क्या? चलिए आइए, मॉड्यूल देख लेते हैं। यही सब पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं है? उससे बायो सेवर्ट लॉ पढ़े थे, ये सब पढ़े थे, है ना? अलग अलग पॉइंट्स पर निकाला था हमने। फिर एक लूप था, लूप की वजह से आया था, सेंटर पर क्या आया था? लूप की वजह से μ0 n/2 r आया था, आपको याद होगा। और उसके बाद करंट कैरिंग आर्क था, डायरेक्शन बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का तरीका बताया था, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से और एक सर्कुलर लूप की वजह से, दोनों की वजह से आपको मैंने बता दिया है। ठीक, तो आइए अब इसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। अच्छा, मैं पहले एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा, बायो सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में, है ना? ये रही, हाँ ये राइट, क्या आया था बायो सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में? देखिए, आपको याद आ रहा होगा, दिस वॉज द बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, db is equal to μ0/4π idl cross r by में r cube। ठीक है, याद होगा आपको। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं करा रहा हूँ एक्चुअली। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा, है ना? तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे पहले, लेकिन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है भाइयों और बहनों, वो SCV का क्वेश्चन है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ऑब्जेक्टिव सेकंड का एक क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा भी कर दे रहा हूँ ताकि और विजिबिलिटी आ जाए। राइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल करंट एलिमेंट है प्लेस्ड एट अ पोजिशन आर इज। ठीक, एक करंट एलिमेंट है आइडियल, भाइयों बहनों, उसकी वजह से पोजिशन आर पे वो करंट एलिमेंट रखा हुआ है, उसकी वजह से ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर हम लोग नोट्स में जो पढ़ा मैंने, जो हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा भाई और बहनों, अभी नोट्स पढ़ा ना, तो क्या पढ़ा, μ0/4π आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, या फिर माइनस, भाई अगर डीएल क्रॉस आर को पलट देते हो तो माइनस लगा देते हो, है ना? यही तो पढ़ा आपने। ठीक, आइए मैं जिस इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं आपसे, ये रहा जी, तो यहां पर थोड़ा सा अगर आप देखें और आप सोचें कि फॉर्मूला आएगा μ0/4π आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ना ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, और माइनस आर क्रॉस डी एल ये भी आंसर नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, जो मैंने पढ़ाया है, उसको देख करके, उसको पढ़ करके, आप तो सीधे सीधे इसे टिक करने वाले हैं कि भैया ए भी आंसर होगा और बी भी आंसर होगा, क्योंकि हम लोग का यही तो फॉर्मूला आया था μ0/4π आइडियल क्रॉस आर। ठीक, लेकिन ना ये आंसर है ना ये आंसर है, ऐसा क्यों है? अब इसे ध्यान देने की जरूरत है। आपको वेक्टर आर याद है, वेक्टर आर याद है,
वेक्टर आर क्या होता था? ये वायर था, आप याद करिए, याद करने की कोशिश करिए, ये वायर हुआ करता था, ये करंट एलिमेंट हुआ करता था आइडियल, याद करिए, और ये वायर के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर आर हुआ करता था, जहां हमें ये मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी, याद करिए, ऐसे ही तो था। ये जो आइडियल था इसको इसके रिस्पेक्ट में ये हुआ करता था, पर क्वेश्चन वाले में ये आर और वो आर अलग है, ये कहता है द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू करंट एलिमेंट प्लेस्ड एट पोजीशन आर। जब ये कहता है पोजीशन आर, तो इसका मतलब ये है, मैं इसको अलग से थोड़ा सा दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक। जो करंट एलिमेंट है उसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो अगर पोजीशन वेक्टर लिया जाता है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, ये रहा, ये है वेक्टर आर, और वो जो करंट एलिमेंट है ना भाई बहनों, वो यहां पर आई जा रहा है, आइडियल यहां पर है, इसकी वजह से आपको ओरिजिन पे बताना है। तो हमारे फॉर्मूले में जो फॉर्मूला हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं उसमें वेक्टर आर एलिमेंट से पॉइंट, हमको यहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अरे भाई आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो समझ में आएगा, ध्यान से पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन वाला, द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन, कहां बताना आपको, ओरिजिन पे, ड्यू टू करंट एलिमेंट प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर आर, सिंपल है। तो भाइयों और बहनों इसका मतलब यह हुआ कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आइडियल, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला लगाते थे, जो हम लोग लिखते थे वेक्टर बी बराबर में म्यू जीरो बाई चार पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई में आर क्यूब, लिखते थे कि नहीं लिखते थे बताओ। तो इसमें जो आर होता है, ये आर कहां से होता है, ये आर करंट एलिमेंट से पॉइंट की तरफ होता है। इस फार्मूले में ये जो वेक्टर आर है ये करंट एलिमेंट से पॉइंट की तरफ होता है, ना कि पॉइंट से करंट एलिमेंट होता है। और क्वेश्चन वाले के मुताबिक वेक्टर आर कहां से होना चाहिए, ओरिजिन से, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है यहां पर, और पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा होगा कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले का आर और ये आर अलग है, यानी अगर इस आर को देखना है तो ये आर तो इधर की तरफ होगा, यानी अगर ये लाल वाला आर है तो इधर वाला जो हमारे फार्मूले में जाना चाहिए वो क्या जाना चाहिए, माइनस आर जाना चाहिए, यानी फार्मूले में आर की बजाय, है ना, आर की बजाय मैं क्या लिख दूं यहां पर, माइनस आर। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला बन जाएगा बी बराबर में, सोचो क्या बन जाएगा, म्यू माइनस में आई डी एल क्रॉस आर बाई में आर क्यू, समझ में नहीं आया लग रहा है, ठीक है। देखो फर्क है, मैंने पहले ही कहा था जब बायो सेवर्ड लॉ मैं पढ़ा रहा था कि वेक्टर आर पे फोकस रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये होगा, अच्छा अगर आप इसको पलट देते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर बी बराबर में प्लस में आ जाएगा म्यू जीरो बाई चार पाई आई आर क्रॉस डी एल बाई में आर क्यूब, बस यही फर्क आया है, जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है उसका आर और इस क्वेश्चन का जो आर है उसमें फर्क है, ठीक। और उसी फर्क को हमें समझ करके काम करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए बस एक ऐसे ही क्वेश्चन करा दिया मैंने ताकि थोड़ा आपका हौसला बढ़ता रहे और आपको समझ में आता रहे, ठीक है। यहाँ पर आर था, उसके बाद हमने एप्लीकेशन सारा पढ़ लिया था, मैंने दो क्वेश्चन कल दिया था, आइए हम उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ताकि आपको और आगे के सवाल भी मैं कराता जाऊंगा, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, बिल्कुल एक एक करके क्वेश्चन नोट करते रहिए। कल मैंने एक क्वेश्चन आई होप करवाया था और दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसमें से एक क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एज एन एग्जाम्पल पूछा हुआ है, ये देखो कल ही वाला दिया था आपको, याद है ना, ठीक। तो आइए ये सब क्वेश्चंस, आज बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वैसे भी,
तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, हम क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा। कॉमन क्वेश्चन एक मैंने लिखा था वो आपको याद होगा, मैनिफोल्ड ओ पे प्राप्त करना है, ठीक है। तो कल मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया था कि एक स्क्वायर था, अब उसमें करंट किधर फ्लो कराई थी याद नहीं है, जिधर भी फ्लो करा लो, ये लो जुक जुक जुक, ये लो जी स्क्वायर है जिसका साइड है एल और करंट जो जा रही है वो आई है, और आपको बताना है जी सेंटर पे। बहुत अच्छी बात है, फिर वही बात है, आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। जितना मैंने पढ़ाया है उसी के अंदर सारे क्वेश्चन होंगे। अभी मैं आईआईटी के बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपको लगवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा। देखो यहां पर चार सेगमेंट दिख रहा है अपने को, कितने सेगमेंट दिख रहे हैं जी, चार सेगमेंट दिख रहा है, ठीक। चलो मैं बताने जा रहा हूं, आपने इसको बना लिया होगा, चार सेगमेंट दिख रहा है ए बी सी डी, तो चार सेगमेंट है, चारों स्ट्रेट वायर है, सीधा वायर है, फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का फार्मूला चलेगा। तो हम एक सेगमेंट की वजह से निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। मैं निकालने जा रहा हूं ड्यू टू ए बी। जिन जो लोग इसके पहले की दो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो दो वीडियो देखें तब यहां तक पहुंचे, ठीक है, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो आइए यहां पर हम लोग बनाते हैं, राइट यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींची हमने, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी दैट विल बी एल बाई टू, समझ गए होंगे आप। फिर एक छोर से मिलाएंगे और इधर भी एक छोर से मिलाएंगे, ठीक है। चलो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, जाहिर सी बात है कि ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। सिंपल है, कल वाला काम कर रहे हैं जो हम लोग ट्राइंगल में किए, तो वही इसमें कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये ओ है पॉइंट जहां हमें निकालना है, ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये इसका आधी हो गई, हमने दोनों छोरों से मिलाया, 5 1 5 2 मिल गया। तो हमको सबसे पहले इस सेगमेंट की वजह से निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सोचो, बी वन बराबर में म्यू जीरो बाई चार पाई, I बाई में D, D की जगह L बाई टू, ब्रैकेट में साइन 45 डिग्री और प्लस में साइन 45 डिग्री, ठीक। यही तो फॉर्मूला था, साइन 51 प्लस साइन 52, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो यहां से भाई और बहनों क्या बन जाएगा, जरा गौर करो, म्यू जीरो बाई चार पाई, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, सुनिएगा मेरी बात, ये 1 बाई रूट टू आएगा, कर लेना, ये 2 ऊपर गया और ये दोनों मिलकर रूट टू बना लेगा, 2√2 आई बाई में एल। इस बी वन का डायरेक्शन क्या होगा देखते हैं, बी वन का डायरेक्शन देखते हैं। बी वन का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने अंगूठे को करंट की तरफ रखा तो यू बनेगा, यानी अगर आपने बनाया तो एक सर्कल बनेगा ना, सर्कल घूमता हुआ यू घुस रहा होगा, तो इसमें घुसने का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड। तो यहां पर फील्ड कैसी आएगी, इनवर्ड आएगी, ठीक। फिर हमको बीसी की वजह से निकालना है, ड्यू टू बीसी, वो भी वही वैल्यू आएगी, क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, म्यू जीरो बाई चार पाई, 2√2 आई बाई में एल, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की, जितनी वैल्यू इसके लिए उतनी वैल्यू इसके लिए आने वाली है भाई बहनों, ठीक है। डायरेक्शन किधर आएगा वो भी देख लो, ये देखो अंगूठा इधर इनवर्ड आएगा, ठीक है। तीसरा कौन है बताओ, तीसरा सेगमेंट कौन है, सी डी है, तीसरा सेगमेंट सी डी है, आओ ड्यू टू सी डी, बी थ्री आएगा, ठीक है भाई बहनों, बी थ्री की वैल्यू आएगी म्यू जीरो बाई फोर पाई, अगेन वही 2√2 आई बाई एल, यहां डायरेक्शन क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, देखो ये देखो, अपनी उंगलियों को ऐसे रखो, इनवर्ड आएगा कि नहीं आएगा, अरे अंगूठा इधर रखोगे तो इनवर्ड ही आएगा, तो इट विल बी इनवर्ड भाई बहनों, ठीक। उसके बाद कौन बचा है, डीए, डीए बचा है ना, तो चौथा और आखिरी ड्यू टू डी ए, ड्यू टू डी ए,
ठीक है, ये हुआ बी फोर। बी फोर कितना आएगा, म्यू जीरो बाई चार पाई, अगेन वही वैल्यू आएगी टू रूट टू आई बाई में एल। इसका डायरेक्शन देखें, बोलो हाँ है ना, इसका डायरेक्शन देखो बहुत आसान है, देखो डायरेक्शन क्या, ये देखो इनवर्ड आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी इनवर्ड आया। तो क्या चारों की वजह से इनवर्ड आ गया है? डेफिनेटली चारों की वजह से इनवर्ड आ गया। अगर आपको नेट फील्ड निकालना है, अगर आपको नेट फील्ड निकालना है तो आपको बी क्या करना पड़ेगा, चारों को वेक्टर विधि से जोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि जितने भी फील्ड आएंगे सबको आपको वेक्टर विधि से ही जोड़ना भाई और बहनों, ठीक। अब सबका डायरेक्शन तो सेम है, अरे नहीं दिख रहा क्या, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो चारों वैल्यू जुड़ जाएंगी, खत्म कहानी। और बी की वैल्यू क्या आ जाए, बी बताओ क्या आ जाएगा, चार गुना ऑफ म्यू नॉट बाई चार पाई, चार पाई, चार पाई, अच्छा टू रू टू आई बाई में यल, और डायरेक्शन वही इनवर्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, राइट, क्लियर, सबके समझ में आ गया। नोट करना चाहते हैं पॉज करके नोट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीन ये और एक ये, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है भाई बहनों, लेकिन धीरे धीरे हम लोग नए नए क्वेश्चन और टफ टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। कॉमन क्वेश्चन याद रखिएगा, मैंने कल ही पूछ लिया था कि आपको ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कल एक एग्जाम्पल और लिया था, फिर से वो एग्जाम्पल ले लेते हैं भाइयों बहनों, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल था ये, फिर सेमी सर्कल और करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक, यहां बताना था ओ पे और रेडियस आर, ठीक। चलो मेरी बात सुनिए, अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो इसमें आपको तीन सेगमेंट दिखेगा, एक ये स्ट्रेट, फिर ये बी सी डी कर्व्ड और फिर डी स्ट्रेट, ठीक, कोई दिक्कत। अगर आप इस पॉइंट को देख पा रहे हो तो क्या इस वायर के सिध में है ये पॉइंट, अरे अलोंग द एक्सिस भाई, है कि नहीं है, और ये वाला भी तो उसके सिध में ही है, अरे हाँ या ना, ठीक। तो अगर वायर के सीधे में कोई पॉइंट होगा तो वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आएगी, इसका मतलब ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाली है, जीरो। तो मैं लिखने जा रहा हूं ड्यू टू ए बी एंड डी ई मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जीरो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक। अब हमारे पास कौन है, बी सी डी है, चलो जी बी सी डी, ड्यू टू बी सी डी, ठीक। बी सी डी एक सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल है, 180 डिग्री बना रहा है। अगर आप चाहो तो इसके लिए पहले नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लो, नंबर ऑफ टर्न्स 180 डिग्री बना रहा है ना, बाई में 360 डिग्री, ऐसे ही तो कल मैंने बताया था आपको, तो चक्कर्स कितना आ गया, हाफ आ गया। रेडियन में चाहते रेडियन में लेते, जैसे चाहे वैसे ले लो भैया, आधा चक्कर है, सिंपल सी बात। तो बी इसी की वजह से खाली आएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू जीरो एन आई, एन की जगह हाफ, आई की जगह आई, बाई में टू आर, ठीक है। तो ये बन गया म्यू जीरो आई बाई में चार आर। डायरेक्शन बताने का कष्ट करें, डायरेक्शन बताने कष्ट करें, दिमाग लगाएं फौरन, मेरे बताने से पहले डायरेक्शन सोच लें, मेरे बताने से पहले डायरेक्शन सोच लीजिए। आपको याद होगा जब आप लूप की वजह से निकालते हैं तो उंगलियां करंट और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो उंगलियां करंट, अंगूठा इनवर्ड आया। तो यहां पर जो बी का डायरेक्शन आने वाला है वो कितना आएगा, किध क्या आएगा, इनवर्ड आएगा, ठीक। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। अभी बहुत से स्ट्रक्चर आते जाएंगे, बहुत से क्वेश्चंस, ठीक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अब मैं एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा खिलवाड़ करने चल रहा हूं,
देखता हूँ आप लोग इस खिलवाड़ को समझ पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन कुछ अलग सा करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अरे भाई सीधी लाइन बनी नहीं, अब बनी, ये लो जो मैंने कराया था ना अभी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है। ये लो, ठीक, यहां ये करंट जा रही है, ये सेंटर है, ये लंबाई L है। आपको बताना है कि सेंटर पे क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द न्यूमेरिकल। ठीक, समझ आ रहा है? राइट, ये बताना है। चलो ये थोड़ा डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल है, यू ये उतना अच्छा नहीं बना है, इसको मैं सही बना दे रहा हूँ। ये लो, अब सही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक, चलो इसमें कई एक सेगमेंट हैं जिनकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। स्ट्रेट सेगमेंट ही है, चार तो ये हो गए, दो ये भी हो गए। आइए इनके नामकरण कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा सुनने में, देखने में। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये सी, ये डी, ई, एफ। ठीक, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हो तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना था ओ, वो इसके भी सीध में है और इसके भी सीध में है। तो अगर इन दोनों के सीध में है तो इन दोनों की वजह से तो क्या हो गया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी अगर मैं आपसे कहूं ड्यू टू ए बी एंड सी एफ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है भाई और बहनों, वो कितनी आ जा रही है, जीरो। अब बचे ये एक दो तीन चार सेगमेंट। ठीक, तो अब मैं इसकी वजह से निकालूंगा, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा झोल है। झोल समझिए क्या है, झोल ये है कि ये करंट यहां आती है, इस जंक्चर तक आती है, उसके बाद करंट बढ़ जाएगी, इसमें करंट कुछ और जाएगी और इसमें करंट कुछ और जाएगी, फिर दोनों मिलकर के वापस आई बनाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब करंट यहां तक आएगी तो करंट दो भागों में बढ़ जाएगी, कुछ उधर कुछ इधर जाएगी। अब जो लोग पढ़े हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं मैं उनको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि पैरेलल में दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक, सुन लीजिए, जो भी करंट आती है वो इनके रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ जाती है। जैसे ये R है और ये 2R है, तो अगर इसमें करंट, भाई ये रेजिस्टेंस इसका आधा ये है, या कह लो ये इसका डबल है, तो ये इसका डबल है ना, तो जो करंट इसमें जाएगी, जैसे इसमें I डैश जाएगी तो इसमें I डैश बाई 2 जाएगा। रेजिस्टेंस डबल है तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट बढ़ जाती है। अगर आप यहां देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां तो एक सेगमेंट है और यहां ऐसे तीन सेगमेंट है। जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, भैया कुछ रेजिस्टेंस यहां होगा, कुछ रेजिस्टेंस यहां होगा, कुछ रेजिस्टेंस यहां होगा, कुछ जितना रेजिस्टेंस यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ये सब मिल करके इसका तीन गुना बनाएंगे। ठीक,
तीन गुना बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो अगर इसमें करंट मैं भेज दूं आई नॉट, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए आई नॉट, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, तीन गुना है ना, तो वन थर्ड हो जाएगी, आई नॉट बाई थ्री, आई नॉट बाई थ्री, आई नॉट बाई थ्री, कोई दर्द वाली बात नहीं है। समझिएगा ये कॉन्सेप्ट मैं यहां से लेकर के आया हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो मेन करंट आती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से मैंने यहां पर इस करंट को रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बांट दिया। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात करंट कैसे डिवाइड हुई। ठीक है, आइए अब हम लोग मामले को बढ़ाते हैं आगे। ये वाला सेगमेंट है, इसकी वजह से हमको चाहिए, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो कैलकुलेशन समझ में आया होगा और मैं उसी कैलकुलेशन से काम चला ले रहा हूं, ये मानते हुए कि आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो मैं ड्यू टू बीसी निकालने जा रहा हूं, बीसी सेगमेंट, ड्यू टू बीसी, चलो जी इसको मैं बी वन बोलता हूं, वैल्यू आएगी म्यू जीरो बाई चार पाई, ठीक, आई टू रूट टू था ना, याद करो अभी आया था ना, टू रूट टू आई बाई में एल। अरे भैया अभी अभी निकाला मैंने साइन 45, साइन 45 एल बाई टू रखा था कि नहीं रखा था, उसी को मैंने सीधे उठा के रख दिया है। ये मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरा भ्रम भी हो सकता है। डायरेक्शन किधर आएगा, देखो इधर इनवर्ड, ऐसे आउटवर्ड आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये देखो इधर इनवर्ड और ये आउटवर्ड। अच्छा I की जगह क्या आएगा, आई नॉट आएगा ना, और डायरेक्शन आउटवर्ड, देखो तो ये देखो इधर इनवर्ड और पीछे से घूम के उधर से आएगा तो आउटवर्ड आएगा। ठीक, चलो अब हमारे पास BD सेगमेंट है, ड्यू टू BD, ड्यू टू BD फार्मूला तो वही आएगा, बस करंट चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, म्यू जीरो बाई चार पाई टू रूट टू बाई में एल तो अपनी जगह रहेगा लेकिन आई नॉट की जगह आई नॉट बाई थ्री हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, आई नॉट बाई थ्री करंट जाएगी। डायरेक्शन देखो इनवर्ड, डायरेक्शन इनवर्ड, कोई दर्द वाली बात नहीं है, ऑल राइट आप समझदार हैं। बीडी के बाद डीई है, डीई ड्यू टू डी ई, ड्यू टू डी ई सेम फॉर्मूला, बी थ्री की वैल्यू क्या आएगी बताओ, म्यू जीरो बाई चार पाई टू रूट टू बाई में एल तो अपनी जगह रहेगा, आई की जगह आई नॉट बाई थ्री यहां भी हो जाएगा। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, और डायरेक्शन देखते हैं, ये देखो, अरे और नीचे कर लेते हैं, ये लो इनवर्ड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, राइट, चलो इनवर्ड आएगा। ठीक है, डीई भी हो गया, डीई के बाद कौन बचा बताओ, डीई हो गया ना, डी डी के बाद ईसी या सीई, ड्यू टू सीई, तो उसमें भी यही आएगा ना, बोलो सेम फॉर्मूला, म्यू जीरो बाई चार पाई टू रू टू बाई एल आई नॉट बाई थ्री। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन व्हाट इज द डायरेक्शन, ये देखो करंट नीचे है ना भैया, अरे करंट नीचे है, देखो करंट नीचे है, देखो इनवर्ड आएगा नहीं आया, तो इनवर्ड आएगा, ये भी डायरेक्शन इनवर्ड, कितने फील्ड हो गए, चार हो गए, क्या हमें चारों को जोड़ना चाहिए, चारों को जोड़ते हैं, नेट बी निकालना है ऊपर, तो बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर, अपने को चारों को वेक्टर विधि से जोड़ना है, जरा गौर करना अपने को, देखो यहां पर एक आउटवर्ड आया है बी वन और बाकी तीन इनवर्ड आए हैं, यानी इन तीनों का डायरेक्शन सेम है और इसका अपोजिट है, तो अब इन तीनों का अगर सेम है तो इन तीनों की वैल्यू जोड़ दें हम, और इसका अपोजिट है तो इसमें से घटा दें। अरे भाई तीन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तीन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में,
और एक वेक्टर अपोजिट है, तो इन तीनों को जोड़ दो और उसके साथ इसको घटा दो, यही तो तरीका होता है। आइए तो एक काम करते हैं, हम लोग नेट बी निकालने के लिए बी वन में से घटा देते हैं क्या बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर। चलो अच्छा इत्तेफाक की बात देखो, क्या बी टू बी थ्री बी फोर तीनों एक ही वैल्यू है, सेम वैल्यू है ना, मैं तीन का मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है, ये मानते हुए कि आप समझदार हो। बी वन की वैल्यू अलग है, तो बी वन की वैल्यू क्या है जरा बताओ मुझे, म्यू जीरो बाई चार पाई टू रूट टू आई नॉट बाई में एल, ये है बी वन की वैल्यू, और तीन गुना हो जाएगा किसकी वैल्यू बताओ, म्यू जीरो बाई चार पाई टू रूट टू बाई में एल इंटू में आई नॉट बाई थ्री, ठीक, तीन से तीन कट गया, और आप देखो क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आई, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, ओहो जीरो आ गया। समझ में आया कि नहीं आया आपके, तो यहां पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर खेल कहां था, खेल था इस करंट का, खेल इस करंट का था भाइयों बहनों, यहां आपको ध्यान देना था, ये करंट आया और जब ये करंट आया तो ये करंट जाकर के बढ़ जाएगा, और जैसा करंट बढ़ेगा उसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ऑल राइट, वेरी गुड। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लो, पॉज करके नोट करना चाहते हैं पॉज करके नोट कर लीजिए, और अति कोढ़ी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, मैंने दोनों पहले ये देख लो, ये लो ठीक, और फिर ये ले लो ठीक। तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, चलिए आइए करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा एक क्वेश्चन और, इस बार थोड़ा सा अलग सा कराते हैं ना, एक ये लो ठीक है, गुड वन, अरे एकदम बकवास बकवास क्वेश्चन, ये इंटी फिंटी है, ये भी इंटी फिंटी है, मार्कर वाले में एकदम सटीक मिटाते थे, कोई बात नहीं, ये लो इस पर भी मिटा लेंगे अभी कुछ दिन में, ये है ओ एकदम, और ये रेडियस है आर, ठीक, करंट जा रही है कुछ यूं, ठीक, बनाओ इसको, आपको ओ पे बताना माइंड फील्ड। चलो अगेन देखो, इसमें भी तीन सेगमेंट हैं, ठीक है, उन तीनों सेगमेंट के बारे में आपको बताता हूं, ध्यान से देखो तीनों सेगमेंट के बारे में, सबसे पहले ये ए है बी है सी है डी है और ई है। तो सबसे पहले ए बी को देखो, ड्यू टू ए बी, ए बी जो वायर है वो स्ट्रेट वायर है, हालांकि इनफाइनेटली लॉन्ग है लेकिन स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर के सीध में, तो अगर स्ट्रेट वायर के सीध में है तो हम अगर ड्यू टू ए बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस वायर के सीध में, इज दैट क्लियर। चलो उसके बाद हमारे पास बी सी डी है, बी सी डी अगर आप देखो तो कितना एंगल बना रहा होगा भाई, तीन चौथाई है ना, 270 डिग्री, 270 डिग्री, और ड्यू टू बी सी डी मैं लिखने जा रहा हूं, ड्यू टू बी सी डी, ठीक, बी सी डी की वजह से निकालने जा रहे हैं भाइयों बहनों, बी सी डी अगर आप देखो तो तीन चौथाई एंगल बना रहा है, तीन चौथाई का मतलब होता है 270 डिग्री, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप यहां निकालोगे तो 3/4 आने वाला है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं बी वन कर देता हूं, म्यू जीरो नंबर ऑफ टर्न की जगह 3/4,
आई की जगह आई, बाई में टू आर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 3/8 म्यू जीरो आई बाई आर, ठीक, 3/8 म्यू जीरो आई बाई आर। डायरेक्शन क्या आएगा ये देखो, बाहर की तरफ, ठीक। तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, बाहर। ये बीसीडी की वजह से आया। अब हमारे पास दूसरा स्ट्रेट सेगमेंट है कौन सा, डी, उसकी वजह से दिखाते हैं। चलो ड्यू टू डी ई, ड्यू टू डी ई, ठीक। अब डी ई की वजह से अगर आप देखना चाहते हो तो डी ई देखो एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, पॉइंट नंबर वन। ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है जहां हमको निकालना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके एक छोर पे है, देखो ना, यही तो इसका छोर है, इसके एक छोर पे है, आर दूरी पे है और इसके छोर पे है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के एक छोर पे जो फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या आता है, याद करने की कोशिश करिए, वो फॉर्मूला आता है म्यू जीरो बाई फोर पाई आई बाई में डी, डी की जगह मैं कर दे रहा हूं आर, ठीक। और डायरेक्शन देखो, ये इनवर्ड हुआ उधर, और पीछे से भाई देखो, अंगूठा आपने रखा इधर, इधर इनवर्ड होगा और पीछे से घूम के आएगा तो आउटवर्ड हो जाएगा। सोच के देखो ना, इस तरफ इस जोन में अंदर घुसता हुआ है तो इस जोन में बाहर निकलता हुआ होगा, ठीक। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, और दिमाग में चलना चाहिए कि होगा इस तरह का सर्कुलर, ठीक। तो भैया अंगूठा इधर गया, इधर से बाहर आ गया, तो आउटवर्ड आएगा, ये भी आउटवर्ड आएगा, भैया दोनों आउटवर्ड आ गया तो कोई दर्द ही नहीं है। सीधे सीधे नेट बी की वैल्यू मुझे बताइए क्या आ जाएगी, मैं आप पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे बस लिख दे रहा हूं, बी वन प्लस बी टू, और डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या आएगी। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, अति कोढ़ी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, वरना लगेगा कि एक ही तरफ से बात हो रही है, बात सुन रहे हैं बस आप, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो आसान आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत टफ हो जाए, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। चलो इस बार क्वेश्चन और थोड़ा आसान करते हैं, ये एक है, ये एक है, ठीक। ये लो बन गया, अभी धीरे धीरे इसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे मिटाने में, है ना, ये लो, ठीक। और भाई और बहनों, ये रेडियस है आर वन, और ये रेडियस है, ये पॉइंट है ओ, ठीक। चलो आप चाहो तो इसे बना सकते हो, राइट। अगेन भाई और बहनों, चार हिस्से हैं इसमें, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ। दो स्ट्रेट सेगमेंट दिख रहे हैं आपको और दो कर्व्ड दिख रहे हैं, तो कुल कितने हो गए, चार, दो स्ट्रेट सेगमेंट और दो कर्व्ड सेगमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप आपको नहीं होगी, ठीक। चलो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो बिंदु है, ये ए बी
और DE के सीध में, देखो AB और DE के क्या है, सीध में, तो AB और DE के सीध में है, तो ड्यू टू AB एंड DE मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, समझ में आ रहा है? अरे हाँ, है ना, हमको हमको अब इसके बाद निकालना है AB और DE के बाद ड्यू टू BCD, ड्यू टू BCD, BCD एक कर्व पार्ट है और कर्व पार्ट है, आधा कर्व पार्ट है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स आधा हो जाएगा, सीधे सीधे B1 बराबर में म्यू जीरो, नंबर ऑफ टर्न इज आधा, करंट इज I बाय में 2R1, फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, म्यू जीरो I बाय में 4R1, कोई दर्द नहीं होगा B1 के लिए। डायरेक्शन अपनी उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाना, याद करिएगा, ये घुमाया इनवर्ड आया, लो जी घुमाया इनवर्ड आया। अब BCD के बाद कौन बचा है, EFA, तो यहां पर निकालते हैं ड्यू टू EFA, ड्यू टू EFA, चलो EFA, EFA में भी नंबर ऑफ टर्न आधा हो जाएगा, B की 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बता दो, म्यू जीरो नंबर ऑफ टर्न आधा इंटू में आई बाई में 2R2, आंसर विल बी म्यू जीरो आई बाई में 4R2 B2, ठीक, कंफर्म है? डायरेक्शन कैसे निकलेगा, उंगलियों को घुमाइए आउटवर्ड आएगा, उंगलियों को घुमाइए आउटवर्ड आएगा, ये लो आउटवर्ड आया। अब देखो B1 इनवर्ड है और B2 आउटवर्ड है, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो B1 इनवर्ड है, B1 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि देखो R1 छोटा है ना और R2 बड़ा है, R2 देखो बड़ा है, R1 छोटा है, और जिसका हर यानी डिनोमिनेटर छोटा हो वो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट बी निकालने के लिए आपको B1 में से B2 घटाना पड़ेगा, और घटाने पे जो बड़ा वाला होता है उसी की तरफ आती है डायरेक्शन, तो नेट डायरेक्शन आएगा इनवर्ड, ठीक, नेट डायरेक्शन क्या आएगा, इनवर्ड आएगा, छाप लीजिए आप इसे, छाप लीजिए, जल्दी इसे छापिए, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, चलिए जी आगे बढ़ते, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया क्या, एक काम करता हूं मैं, इसी में ना एक और काम चला लेता हूं, आप इसे बना लो फिर मैं बनाता हूं, ठीक है, चलो मैं इसी से एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको, ये लो, बहुत बढ़िया गायब किया मैंने, आओ जी एक और क्वेश्चन है, राइट, चलो वो कर लेता हूं, बना देता हूं, ये लो, एक ये गोल, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो चूंकि मैं कैलकुलेशन ज्यादा अलग से नहीं कराऊंगा, है ना, ये लो जूम, ठीक, और इस बार जो करंट आएगी इट विल बी लाइक दिस, ठीक, ये रुक जाओ, ठीक है ना, ठीक, और ये है जी सेंटर, ये है R1 और ये है R2, ठीक, चलो, और ये करंट आई, अगेन सेम क्वेश्चन है, हमें ऊपर बताना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है, चलो बना लो आप इसको, एक नया मैंने बना दिया है, हालांकि कैलकुलेशन में पुराने से काम चलाऊंगा, बना लीजिए, बना लिया, चलो आओ देखते हैं, सुनिए इसमें भी अगेन फिर वही
चार सेगमेंट है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है ये ए बी और डी ई के सीध में है, तो ए बी और डी ई की वजह से फिर से फील्ड क्या जाएगा, जीरो। सही है, कोई दिक्कत भाई? ए बी और डी ई के सीध में जो बी सी डी है उसके लिए आधा चक्कर है, सेम फॉर्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? सेम फॉर्मूला चल जाएगा हमारा बी सी डी। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ, करंट आई, रेडियस आर वन। इस बार डायरेक्शन किधर आएगा, देखो घुमाओ अपनी उंगलियों को इनवर्ड, ये देखो वे आया कि नहीं आया इनवर्ड, तो डायरेक्शन आया इनवर्ड। यहां तक तो मामला सेम टू सेम है। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो ई एफ ए है ये भी तो क्या नाम है कि वो है कर्ड पार्ट है, और इसका भी नंबर ऑफ टर्न्स कितना आएगा, हाफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उठा करके यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहां जो बदलाव आने वाला है वो डायरेक्शन में आने वाला है। क्या बदलाव आने वाला है, टू आर टू होगा। बदलाव क्या आने वाला है जरा बताओ, इसमें डायरेक्शन इसकी वजह से किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बताओ, मन में बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे घुमाओगे तो इनवर्ड आएगा, देखो यूं राइट हैंड घुमाते हैं इनवर्ड, यानी यहां पर भी डायरेक्शन क्या आने वाला है, इनवर्ड ही आने वाला है। यानी यहां बी वन तो इनवर्ड है ही है, लेकिन साथ में भाई और बहनों बी टू भी इनवर्ड है। तो आपको नेट फील्ड जब निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, बी वन प्लस बी टू, और नेट फील्ड क्या आएगा, इनवर्ड आने वाला है। ठीक, तो कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्शन में फर्क आने की वजह से कैलकुलेशन में फर्क आ गया। ठीक, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं भाई और बहनों, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं। हम लोग धीरे 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 थोड़ा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलेंगे, ये कहां कहां पर कैसे कैसे क्या। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप देखिए इसको आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मैं इसे तो बताऊंगा ही आपको, तो मेरा काम है बताना। ये लो ये लो ये लो, नहीं रहने दो, ये क्वेश्चन कर चुके ना, थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सुंदर सुशील ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अरे बहुत से हैं, जिधर से मन करे उधर से बना लो। ठीक, बहुत से बना सकते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, रेडियस जो है वो आर है, करंट आई है। चलो, ये इनफाइनाइट होगा भाई बहनों, इनफाइनाइट। ठीक, और ये चाहे इनफाइनाइट हो चाहे ना लो, सब जी। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अगेन बायो से वर्ड ला के फॉर्मूले लगते जाएंगे। यहां पर आपको भाई और बहनों तीन सेगमेंट हमें दिख रहा है, ठीक है, कौन कौन से हैं वो तीन सेगमेंट, लेट्स सी। सबसे पहले ये ए बी सी, यहां तक डी, यहां ई, कोई दिक्कत नहीं है? आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं मेरी जानकारी के मुताबिक। भाई और बहनों इस पॉइंट को देखिए, क्या ये पॉइंट इसके सीध में नहीं आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? और चूंकि इसके सीध में आ रहा है तो मैं सबसे पहले ड्यू टू ए बी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दूं, जीरो। अरे हाँ या ना बोलो भैया, कोई दर्द कोई परेशानी नहीं? बी सी डी देखो, बी सी डी एक कर्ड कर्ड पार्ट है, तो कर्ड पार्ट में तो वही कर्ड पार्ट के सेंटर पर म्यू जीरो एन आई बाई टू आर का फॉर्मूला लगेगा। तो बी सी डी की वजह से देखो, ड्यू टू बी सी डी, ड्यू टू बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। लो जी, बी टू बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू जीरो, नंबर ऑफ टर्न्स आधा हो जाएगा, करंट आई हो जाएगा और रेडियस आर आ जाएगा, हाँ या ना? तो यहां से हो जाएगा म्यू जीरो आई बाई में फोर आर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्शन का जिक्र भी कर लिया जाए, लगे हाथों आओ जी, कर्ड पार्ट है तो उंगलियों को घुमाइए करंट की तरफ, उंगलियों को घुमाइए करंट की तरफ,
ये लो आउटवर्ड, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। बचा कौन? ये स्ट्रेट सेगमेंट बचा है, स्ट्रेट सेगमेंट। डी इनफाइनाइटली है, ये बिंदु इसके एक छोर पे है, समझो आप, इनफाइनाइट एक छोर पे बिंदु, सिंपल। तो ड्यू टू डीई की बात करने जा रहा हूं मैं, डीई। तो बी थ्री की वैल्यू आएगी भाइयों और बहनों और पढ़े लिखे लोगों, म्यू जीरो बाई चार पाई, आई बाई में डी होता है, और डी यही तो आएगा। अरे यार परपेंडिकुलर दूरी भूल गए क्या? अरे यही तो आएगा, डी आर के बराबर आएगा, समझ में आ गया? डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, यहां डायरेक्शन के लिए अंगूठा करंट, तो करंट तो यूं है, तो इधर देखो, इधर इनवर्ड होगा और ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ, देखो अंगूठा रखो ना, बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, कर्व होगा याद रखना, तो ऐसे निकल के घुस रहा होगा इधर, तो आउटवर्ड आएगा। ओहो बी वन और बी टू, बी टू और बी थ्री दोनों आउटवर्ड आ गया। बी वन, बी तो जीरो हो गया, बी टू क्यों लिखो, जो भी लिखो ठीक है, बी टू लिख दिया हमने, बी थ्री लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, बी वन बी टू लिखो, तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी, दोनों का सम आ जाएगी, बी टू प्लस बी थ्री, बोलो हाँ या ना? चूंकि डायरेक्शन सेम है तो सीधे सीधे वैल्यू जोड़ दी जाएगी, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, एंगल जीरो डिग्री होता है, वैल्यू सीधे सीधे जोड़ जाती है। तो भैया डायरेक्शन इसका भी क्या आने वाला है, आउटवर्ड आने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप नहीं होनी चाहिए। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। टाइम एक घंटे की वीडियो बनानी हो गया, अच्छा चलिए अभी है 10 मिनट है अपने पास, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपके यहां पूछा गया है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन, तो मैं इसको दिखा देता हूं, फिर मैं उसको समझाता हूं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। ये देखो, ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि दो क्वेश्चन है एक्चुअली, 34 भी है और अपना ये भी है, क्या नाम है कि 33 भी है। पहले मैं आपको 34 करा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। ओके चलो भैया 34 करा देते हैं, चूरन टाइप का है ना, इसलिए करा देते हैं 34। इसमें कहता है कि दो क्वायल है, दोनों का प्लेन अलग अलग है, लेकिन दोनों का सेंटर कॉमन है, समझो। ये है किस प्लेन में? ये एक्स जेड प्लेन में। अब आपको अपना इमेजिनेशन करना है, करंट जा रही है यूं, आई, दोनों का सेंटर सेम, और दोनों का जो रेडियस है ना दैट इज सेम, इनका भी आर और इनका भी आर, और इसमें करंट जा रही यूं, ये कौन सा प्लेन है इसका? वाई जेड प्लेन। दो क्वाइल हैं, दोनों में करंट सेम है, रेडियस सेम है, एक एक्जेड प्लेन में रखा है, एक वाई जेड प्लेन में रखा है, इनका सेंटर कॉमन है, और यहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक। अब इसको मैं इमेजिन करवाता हूं, तभी आपके समझ में आएगा। देखो, देखिए, सुनिएगा, ये है क्वाइल, ये एक्स एक्सिस माना, ये वाई एक्सिस माना, और ये जेड एक्सिस माना, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो ये वाला जो प्लेन होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा, ये वाला, ये जो बोर्ड वाला प्लेन अपना, ठीक। उसके बाद ये जो नीचे वाला प्लेन होगा, इसमें एक्स होगा और जेड होगा, तो एक्स जेड प्लेन होगा, कॉमन सेंस। और इधर वाला जो प्लेन होगा ये वाई जेड होगा, क्योंकि वाई और जेड ये दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, जिस प्लेन में वाई और जेड आ जाए, यानी एक क्वायल है वाई जेड प्लेन में ऐसे, समझिएगा, और एक क्वायल है एक्स जेड प्लेन में, यानी ऐसे, एक्स वाई प्लेन ये है, ठीक, वाई जेड प्लेन ये है, और जेड एक्स प्लेन ये है। तो पहला हम इस क्वायल की वजह से लेते हैं, वाई जेड प्लेन, ये लो वाई जेड प्लेन में ऐसे रखा है, ये देखो, ये Y और ये Z, Y Z, Y Z प्लेन में,
इधर x है, ये ध्यान रखिएगा, x y z, इसमें करंट बह रही है I, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1, उसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू जीरो, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 हो गया, इंटू में 1 इंटू में I, और रेडियस 2R। डायरेक्शन बताएं, देखिए करंट यू जा रही है, अब चूंकि 3D व्यू है ना, तो थोड़ा अंडरस्टैंड, थोड़ा समझना पड़ेगा, हालांकि उसमें डायरेक्शन नहीं पूछा है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, करंट अगर यू जा रही है तो देखो ए इधर आ गया, इधर का मतलब किधर, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम क्या लिखते हैं, आई कैप, क्या लिखते हैं, आई कैप, कोई दर्द नहीं है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो क्वाइल है बी टू, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू जीरो वन इंटू में आई बाई में टू आर, फॉर्मूला सेम, लेकिन डायरेक्शन देखो, ये देखो ये किस प्लेन में है, एक्सजेड प्लेन में, ये एक्स हुआ और ये जेड हुआ, और करंट यू जा रही है, और मैंने अपने पेट पे टिका दिया, ये लो, तो करंट अगर यू जा रही है तो देखो ए जूम, या मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब प्लस वाई, प्लस वाई का मतलब जे कैप, ठीक, समझ में आ गया, एक ऐसे रखा है तो ऊपर आ गया, एक ऐसे रखा है तो उधर आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एक आई कैप है और एक जे कैप है, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जानते हो क्या बन जाएगा, देखो अंडर रूट बी वन स्क्वायर प्लस में बी टू स्क्वायर, ठीक, 90 डिग्री पे ही तो होता है, तो आप इसको करना, दोनों की वैल्यू सेम है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, भगवान आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, म्यू जीरो बाई म्यू जीरो आई बाई में टू आर इंटू में रूट टू आएगा, ठीक है, वैल्यू लिखा है मैंने, डायरेक्शन आई और जे के बीच में होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर है ना, तो आई और जे के बीच में, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया, ऑल राइट। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने और मैंने प्रस्तुत कर दिया, पेश कर दिया, ठीक, ऑल राइट। चलो एक क्वेश्चन जो और मैं दिखा रहा था वो आपको मैं बताता हूं कैसा है वो क्वेश्चन, क्या है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की कहानी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। कहानी ये है कि ये, चलो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा अभी यहां पर, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक, और यहां पर एक वायर है जिसको एक शेप दिया गया है, शेप कैसा है समझना, ये है आ रहा वायर, फिर ये वायर सेमी सर्कुलर लूप बना रहा है और फिर ये जा रहा है, ये सेंटर है इस लूप का, ये रेडियस इसका आर है, ये भी रेडियस है, करंट यू जा रही है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है भाई और बहनों, और ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग, आपको ओ पॉइंट पर करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है जो अभी मैंने मॉड्यूल में, मॉड्यूल कह रहा हूँ उसमें 33 ईयर वाले मैंने आपको दिखाया था, ये रहा, ये देखो यहाँ पर इन्होंने इसको Z और ये Y कहा है और ये X का है, तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ जैसा इन्होंने कहा है, देखो ये X का, ये Y का, ये Z का है, ठीक, इसको क्या कहा है, Z का है, ये Z है और ये Y है और ये X है, जहां पर ये है X एक्सिस, ये भी X एक्सिस की तरफ है, दोनों इनफाइनेटली लॉन्ग है, समझे रहिएगा, यानी आप इसकी सिचुएशन को अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपको फिर वही डंडियों की मदद से समझाता हूं, ठीक है, ये डंडी दीजिए, ये भी दे दीजिए, कॉइल देखिए, ऑल राइट, ये देखो ये करंट आ रही है और एक डंडी से करंट जा रही है, लो आ रही है जा रही है, और ये सेम, अब ये तो चूंकि पूरा लूप है लेकिन आप सेम ही सर्कल खाली मारो, ये देखो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये कोई दर्द नहीं, करंट आई घूमी गई, तो तीन सेगमेंट है, एक ये और एक आधा सर्कल, तो तीनों की वजह से हम निकालते हैं, आइए
चलिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ इस सेगमेंट की वजह से। अब आप थोड़ा गौर करिएगा, ये जो ऐसे बना हुआ है और ये डंडी यूं, अब ये 3D है ना, एक्स एक्सिस ऐसे ही तो होगा। ठीक, देखो इसकी वजह से अगर आपको निकालना है तो करंट यूं जा रही है, ध्यान देखो, देखो यहां पर बताना, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अगर आप देख पा रहे हो कैसा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इसकी वजह से इस सेंटर पे बताना है, क्या ये पॉइंट इसके एक छोर पे नहीं है? निश्चित है, डेफिनेटली है, अरे है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये जो पॉइंट है ये इसके एक छोर पे है, तो छोर वाला फार्मूला लग जाएगा, छोर वाला फार्मूला तो आपको पता ही है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो सर्कुलर फॉर्म में होगा ना, ये देखो यहां पर हमको निकालना, याद रखना ए, ये यहां पर, तो यहां पर जब टेंजेंट खींचोगे तो नीचे आएगा, समझो। मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, फिर यहां पर भी बताता हूं, देखो इसकी वजह से जब बनेगा, जब आप बनाओगे तो एक सेप ऐसे जा रहा होगा, ये जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो जो टेंजेंट खींचोगे वो डाउनवर्ड आ जाएगा, ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जैसे अगर आपने ये वायर लिया और हमें यहां निकालना है तो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं आएगी, बोलो। हमने अंगूठे के डायरेक्शन से ओरिएंटेशन निकाल लिया, देखो अंगूठा ऐसे है तो ओरिएंटेशन यूं है, यहां पर हमको निकालना है, यहां पर टेंजेंट खींचोगे तो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड का मतलब माइनस जेड डायरेक्शन। ठीक, तो सबसे पहला जो सेगमेंट है हमारे पास ये AB सेगमेंट है, इस AB सेगमेंट की वजह से, इस AB सेगमेंट की वजह से फालतू चीजें हटा दे रहा हूं, इस AB सेगमेंट की वजह से निकालने जा रहे हैं, ड्यू टू AB। वन एंड वाला फार्मूला चलेगा कि नहीं भाई बहनों, बताओ जल्दी, म्यू जीरो बाई चार पाई आई बाई में डी, डी की जगह आर आ जाएगा, कैसे? अरे भैया ये परपेंडिकुलर दूरी आ रही तो होगी, है ना, बोलो। और डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप नीचे की तरफ आया। अच्छा, अब कौन सा आया, ये कर्व वाला पार्ट, तो ये इसका नाम है BCD कर दो, BCD और ये DE, तो हम BCD की वजह से निकालने जा रहे हैं, BCD ड्यू टू BCD। चलो B2 निकालने जा रहे हैं जी, अगेन वही लिखेंगे, यहां पर कर्व सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर लूप है, लेकिन आधा सर्किल है तो नंबर ऑफ टर्न्स आधा करें, अरे ये सब अभी कितना कराते हुए आ रहे हैं हम, म्यू जीरो हाफ आई बाई मी टू आर। ठीक है, डायरेक्शन बोलो, देखो ये देखो, घुमाओगे तो उंगलियां पीछे, अंगूठा पीछे जाएगा, उंगलियां घुमाओगे तो अंगूठा पीछे जाएगा, पीछे जाने का मतलब एक्स के पीछे, एक्स के पीछे यानी माइनस एक्स, यानी माइनस आई कैप। ठीक, माइनस आई कैप, ये B2 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया। ठीक, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है भैया, हमको इसमें उंगलियां घुमाना ही होती है, तो अंगूठा आपको। अब एक बचा ये तीसरा वाला, थर्ड वाला क्या है, DE है, तो अब ड्यू टू DE, ये भी स्ट्रेट सेगमेंट है, और स्ट्रेट सेगमेंट देखो ये इधर आ रहा था ऐसे, अब ये जा रहा है यू, करंट यू आ रही थी, अरे आ रही थी बोलो, अब ये जा रही ना, तो ये वाला है, और बताना हमको यहां पर है। ठीक, ध्यान रखना यहां बताना है, देखो ये जा रही है करंट, यहां बताना है, चलो ये जा रही है करंट और यहां बताना है, समझो। स्ट्रेट सेगमेंट है, एक एंड पे ये बिंदु है, स्ट्रेट सेगमेंट के एक एंड पे है कि नहीं बिंदु, तो एक एंड पे बिंदु है, राइट। सर्कुलर फॉर्म में होगा, ओरिएंटेशन निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, ये ओरिएंटेशन निकला, हमको बताना कहां है, यहां बताना है, तो यहां पर जब टेंजेंट खींचोगे तो फिर नीचे आएगा, देखो ओरिएंटेशन पता करके हमें मैग्नेटिक फील्ड पे यहां पर हमें टेंजेंट खींचना पड़ता है, हमने टेंजेंट खींचा तो डाउनवर्ड आया, डाउनवर्ड का मतलब कौन सा, माइनस जेड। तो इसका भी वैल्यू क्या बनेगा, जरा बताइए, B3 बराबर में म्यू जीरो बाई चार पाई आई बाई में आर, और इसका डायरेक्शन भी माइनस के कैप, तो बचा ही क्या है,
अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तीनों को वेक्टर विधि से आप जोड़ दोगे। ठीक, तो मैं फाइनल रिजल्ट पे नहीं जा रहा हूं, सिंपली मैंने आपको इतना बता दिया, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर 3D इमेजिनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड में 3D इमेजिनेशन की जरूरत है। अगर अरे मैग्नेट ये छोड़ो भैया, पूरे फिजिक्स में इमेजिनेशन है, जितनी अच्छी इमेजिनेशन होगी आपकी फिजिक्स उतनी तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, इमेजिनेशन कमजोर है तो फिर दिक्कत है, और वैसे आपकी इमेजिनेशन बहुत तगड़ी, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, ये तो फिजिक्स है। ठीक, तो आई होप आज 1 घंटा पूरा हो गया है ना, और मैं क्वेश्चन लगभग लगभग मैंने सारे करा दिए हैं, मुझे खाली 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बाकी हो गया, वो कल हम लोग करेंगे, और साथ में एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर में भी मैं थोड़ा लंबा रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि कल इस टॉपिक को पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इन्हें देखिए, फिर से देखिए और रिवाइज करते रहिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव आने वाला हूँ, बहुत जल्दी, वेरी सून। बैकग्राउंड में कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद फिर लाइव आते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।